बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की होगी जांच। जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित। सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों की जांच होगी। कैबिनेट बैठक में 4 भर्तियां रद्द की गई हैं, लेकिन आयोग ने इन्हें रद्द नहीं किया। बड़ी खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की जांच होगी और इस जांच के लिए अब उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है और सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों की इस दौरान जाँच की जाएगी। कैबिनेट बैठक में चूंकि 4 भर्तियां रद्द की गई थी, लेकिन आयोग ने इन्हें रद्द नहीं किया। बड़ी खबर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता अनिल चौहान। अनिल जी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की जांच होगी और जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है। जी ज्योति, देखिए अगर हम बात करते हैं, यूपीएस फलैसी जो है काफी समय से बहुत उत्तराखंड में मुद्दा गरमाया हुआ है और गरमाने के साथ साथ जो है जितने आरोप जो है भर्तियों पर लगे थे यूपीएस फलैसी की, तो उनको जो है बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है इनसे एक जांच समिति बताई गई थी और जांच समिति के साथ साथ ये जो जांच थी ये एसटीएफ एजेंसी को दी गई थी और एसटीएफ एजेंसी ने अपना कार्य करते हुए जितनी भी भर्तियां थी भर्तियों के पूरे सबूत के साथ जो है करीब 36 लोगों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद जो इसमें कर्मचारी अधिकारी शामिल थे तो उनको भी जो है बिल्कुल निलंबित कर दिया गया था। बात करते जो 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 तुम्हारा इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के बाद जो वहाँ के सचिव थे संतोष कुमार पटौदी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। जो पहले अगर हम बात करते हैं जो उससे पहले तुम्हारा अध्यक्ष और सचिव थे उनको जो है बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया था एसटीएफ द्वारा, वो आज भी जेल में है। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो ऐसे में अभी जो है बिल्कुल नए अध्यक्ष जो है आईपीएस अध्यक्ष गणेश मर्तोलिया जी को जो है वहां पर उनके अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने 18 अक्टूबर को एक बैठक की थी और बैठक कर्मचारी साथ बैठक की थी और बैठक में उन्होंने यह निर्णय लिया था कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं जो 8 भर्तियां जो संदेह के घेरे में थी उन भर्तियों को जो है जिनकी द्वारा से जांच होनी चाहिए और जांच के साथ साथ उन पर जो है बिल्कुल जो अभ्यर्थी है उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने जो था बिल्कुल जो जांच करी गई थी तो जांच जो समिति है उसमें जनरल बी के माहेश्वरी और संजय माथुर को चुना गया था और वही जो है अब इस समिति की जांच करेगी और जांच करने के बाद जो भर्तियां रह गई थी 8 भर्तियां जो निरस्त नहीं हुई थी उनकी पुनः जांच के साथ साथ जो है समिति अपनी रिपोर्ट देगी, तब उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। जी, क्या लगता है अनिल जी, ये समिति जो है वो कब तक अपनी रिपोर्ट आयोग को देगी और कब इन 8 भर्तियों का भविष्य तय होगा? जी देखिए, ये बिल्कुल जो है जो समिति है 1 महीने के अंदर अंदर जो है बिल्कुल रिपोर्ट दे देगी और रिपोर्ट देने के बाद जो 8 भर्तियां हैं जिनके हम बात करते हैं, जो एलटी भर्ती है जिसके लिए 1431 पद आरक्षित थे और उसके अलावा दूसरी भर्ती है उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक जिसके लिए 600 पद स्वीकृत थे और तीसरी भर्ती है कनिष्ठ सहायक जिसके लिए 700 पद अधिकृत थे, उसके अलावा चौथी पांचवी भर्ती है पुलिस रैंकर भर्ती जिसके 250 पद आरक्षित थे और वाहन चालक भर्ती जिसके लिए 164 पद आरक्षित थे और कर्मशाला अनुदेशक जिनके लिए 157 पद आरक्षित थे और उसके अलावा मत्स्य निरीक्षक पद जिसके लिए 26 पद आरक्षित थे और मुख्य आरक्षी परीक्षा दूरसंचार भर्ती जिसके लिए 272 पद आरक्षित थे। ये सभी की सभी 8 भर्तियां जो है ये सब जो है बिल्कुल संदेह के घेरे में है, इनमें बिल्कुल गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, तो इनके बारे में जो है बिल्कुल पुनः से जो समिति है या दोबारा से जांच करेगी और जांच करने के बाद जो सही तथ्य है वो सबके सामने आएंगे। जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से दिखा रहे थे, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की जांच होगी और जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति भी गठित कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।